Welcome to Om Sir Physics, where physics made easy by Om Sir, and these lectures are for NEET JEE aspirants. So today we are going to study rotational motion. देखो, previous lectures में हमने center of mass के concepts पढ़ लिए थे, वही concepts हम use करेंगे. कुछ हद तक इस unit में भी काफी concepts use होते हैं. तो देखो, rotational motion के पहले एक circular motion भी unit होता है, motion in plane के इसमें. तो जो एक ट्रांसलेशनल का ही टाइप था, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग कर्व पाथ था सर्कुलर मोशन. रोटेशनल में क्या होगा, ऑब्जेक्ट रोटेट होगा, होल मोशन स्टडी करेंगे हम. अगर ये पेन रोटेट होता है, टिप को अगर मैं चेक करूं टिप का मोशन तो इट इज सर्कुलर, बट होल अगर रॉड का मोशन में चेक करता हूं तो इट इज रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन के अंदर सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज मास प्लेज इन ट्रांसलेशनल मोशन. ट्रांसलेशनल मोशन मीन्स, देखो ये MOI कंसेप्ट क्या है, ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है. देखो, ट्रांसलेशनल में ऐसे होता है कि अगर मास को हम मूव करवाना चाहे तो वो मास अपोज करेगा. ठीक है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया निकल के आते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट मोशन डायरेक्शन, तो ये मास की वजह से रहते हैं. तो कोई भी अगर मोशन हम परफॉर्म करते हैं लीनियर के अंदर तो मास अपोज करता है. सिमिलरली MOI अपोज करता है रोटेशनल मोशन के लिए. अगर बॉडी रोटेट होना चाहेगी तो MOI ये प्रॉपर्टी रहती, इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच अपोजेस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और रोटेशन. कि अगर रोटेशन होना चाहे बॉडी तो रोटेट नहीं होने देगी ये प्रॉपर्टी, एंड अगर रोटेट होती है बॉडी तो वो रुकने नहीं देगी, ये प्रॉपर्टी है MOI. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच अपोजेस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और रोटेशन को अपोज करने वाली प्रॉपर्टी. ठीक है, अब देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम पहले कुछ पॉइंट मासेस के लिए ढूंढ लेंगे. पॉइंट मासेस होने के बाद हम कंटिन्यूअस मासेस की तरफ मूव ऑन करेंगे. तो सबसे फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मासेस. पॉइंट मासेस के लिए सिंपल, अगर एक मास है जिसका मास है m, ये कोई ना कोई एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा. ठीक है, ऐसे कुछ एंगुलर स्पीड से रोटेट होता है, तो आपको क्या करना है, आपको ढूंढना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये होगा कुछ r. ठीक है, तो MOI के लिए फॉर्मूला आएगा I विल बी इक्वल टू m into r square. सिंपल सा ही फॉर्मूला था, मास into r square, जिसके यूनिट्स निकल के आएंगे. मास के लिए यूनिट होगा kg, r square के लिए मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर, ये यूनिट होंगे MOI के. ठीक है, अब देखो इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, मास into परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब देखो ऐसा जरूरी नहीं कि इक्यू, अगर सिस्टम है, सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस के लिए ढूंढ लेते. सेकंड वन इज, फर्स्ट वन पॉइंट मास के लिए था, सेकंड हम ढूंढ लेते हैं सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस के लिए. अगर बहुत सारे पॉइंट मासेस है, ठीक है, तो कैसे क्या आपको ढूंढ लेना है. फॉर एग्जाम्पल देर आर एन नंबर ऑफ मासेस, 1, 2, 3, 4, ये M1 है, ये M2, M3, M4, M5 भी है. ठीक है, आपको क्या करना है, ये कोई ना कोई एक्सिस के अबाउट रोटेट होंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना है आपको R1. ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए, तिरछा वगैरह नहीं चाहिए, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करेंगे. आगे चल के कुछ और क्वेश्चन भी हम अटेम्प्ट करेंगे, तो ये आपको याद रखना है, R शुड बी परपेंडिकुलर. M2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस R2, M3 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस R3, M4 का R4, M5 का R5, ये है. तो आपको क्या करना है, सिंपल एक एक के पॉइंट मास के लिए था मास स्क्वायर, हर एक को ऐड कर लेना, I1 प्लस I2 प्लस I3, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस M4 R4 स्क्वायर प्लस M5 R5 स्क्वायर, या फिर I=, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं समेशन MR स्क्वायर. सिंपल सी सम कर लो सभी को, सभी MR स्क्वायर को ऐड कर लो,
तो ये है कंसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट मासेस। अब इसके कुछ क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। देखो सो हमें एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें दिया है दो मासेस m1 m2 दीज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ d। हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए एंड लेंथ को होना चाहिए परपेंडिकुलर। तो एक काम करते हैं, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बीच में होगी सिंस टू पार्टिकल मासेस है, तो यहाँ पे कहाँ पे तो ये होगी, ये होगी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन एंड परपेंडिकुलर है एक्सिस, तो हमें ये परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करना है क्योंकि एक्सिस तो सेंटर ऑफ मास वाले बहुत सारे रह सकते हैं। तो दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू लेंथ जॉइनिंग देम, ये है। अब देखो टू पॉइंट मासेस के लिए फॉर्मूला क्या है, ये R1 ढूंढ लेना है आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस, R2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढ लेना है एंड समेशन m2। तो देखो सेंटर ऑफ मास जो प्रीवियस यूनिट प्रीवियस लेक्चर्स थे हमारे उसमें हमने आपको पॉइंट मासेस के लिए अगर दो पॉइंट मासेस डी इतने डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो पढ़ाया था। अगर हम कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट मास से डिस्टेंस तो आंसर था m2d / m1+m2 एंड अगर हम कैलकुलेट करते हैं सेकंड से तो R2 विल बी इक्वल टू m1d / m1+m2। ये हमने निकाल के दिए थे आपको दो फॉर्मूले सेंटर ऑफ मास नाम के यूनिट में जो कि प्रीवियस है, तो वो एक बार चेक कर लेना आपने। देखो यही फॉर्मूला इसमें यूज कर लेते हैं, ठीक है। I विल बी इक्वल टू m1r1² + m2r2² m1 की वैल्यू m1 की जितनी, R1 की जगह बताओ हमें m2d / m1+m2² + m2 R2 की जगह m1d / m1+m2² देखो अब क्या होगा, ये m1 m2² d² / m1+m2² + m2 m1² d² / m1+m2² इसमें से कुछ कॉमन निकलता है, हम ऐसा लिख सकते हैं m1 m2² + m2 m1² कॉमन क्या निकलेगा d² न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर दोनों के सेम है m1 + m2² देखो क्या इससे कुछ कॉमन निकलता है m1 m2, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ m1 m2 कॉमन निकल के आता है, तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ m1 m2 कॉमन, m1 m2 कॉमन निकालता हूं तो क्या बाकी रहेगा, यहां से m2 यहां से m1 मींस m2 + m1 d / m1+m2² कुछ कैंसिल हो जाता, m ये एक एक कैंसिल होंगे तो I नेट जो होगा इट विल बी m1 m2 / m1+m2 d² ये आंसर निकल गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आके गया, ठीक है। इसमें ये जो m1 m2 / m1+m2 आंसर आया है इसे एक नाम भी दे देते हैं म्यू, रिड्यूस मास भी कहते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है रिड्यूस मास का, इसे रिड्यूस मास भी कहते हैं m1 m2 / m1+m2 d². अब देखो ऐसे हो सकता है ये m1 m2 की जगह पे आपको एक आधे मासेस दे दिए जाए 2 kg 3 kg, ऐसे हो सकता है डिस्टेंस दे दे, या फिर एक आधा मॉलिक्यूल HCl यहाँ पे H लिख सकते यहाँ पे Cl लिख सकते, रोटेट हो रहा है मॉलिक्यूल, आप बताओ हमें सेंटर ऑफ मास अबाउट एक्सिस पासिंग टू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ, ठीक है। इन सारे कॉन्सेप्ट में अगर आप डायरेक्टली ऐसा भी याद रख पाते हो I = μd² तो भी चल सकता है, वेयर म्यू इज रिड्यूस मास m1 m2 / m1+m2, जो कि बहुत बार देखने को मिलता है आपको फिजिक्स में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से लिख लो, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन दे देता हूं, और एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है जिसमें हमने तीन मासेस रख दिए हैं m m m, तीन मासेस इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीन कॉर्नर्स के ऊपर, ठीक है। हमें फाइंड करना है, दो क्वेश्चन दिए हैं, फाइंड my अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू पार्टिकल, कोई भी एक पार्टिकल ले लो एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो एक पार्टिकल हम ये ले लेते हैं, ठीक है। इस पार्टिकल से एक्सिस पास होना चाहिए, तो पार्टिकल से एक्सिस तो कैसे भी पास हो सकता है, बट इट शुड बी परपेंडिकुलर टू प्लेन, मींस ऐसे वाला एक्सिस होना चाहिए जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब देखो
system of particles के लिए फॉर्मूला क्या है, m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square, but इन सभी में आपको याद रखना है कि r should be perpendicular. तो अगर axis ये है passing through particle and perpendicular to plane, तो m1 r1 square, ठीक है, and m2 r2 square. तो देखो पहले पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं लिख लेता हूँ. फर्स्ट का सॉल्यूशन I equals to m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square. देखो फर्स्ट पार्टिकल का, ये फर्स्ट पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो, तो ये जीरो निकल के आएगा. सेकंड पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस l इतना एंड मास है m, तो ये होगा m इंटू एल स्क्वायर. प्लस थर्ड पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये एक्सिस के साथ, एक्सिस ऐसा है पर ये ऐसा तिरछा डिस्टेंस नहीं होगा, ये डिस्टेंस, ठीक है, तो ये होगा एम एल स्क्वायर. तो आई के लिए फॉर्मूला कितना निकल के आएगा, एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर टूवाइस एम एल स्क्वायर, हो गया आंसर, सिंपल सा कंसेप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट एक्सिस जो कि है मेडियन ऑफ ट्रायंगल. तो मेडियन देखो ये ऐसी होगी कुछ, जो इस अपोजिट साइड को L बाई टू दो हिस्सों में बाइफरगेट करेगी, दो हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगी. अब ये एक्सिस के अगर अबाउट मुझे निकालना है तो देखो I वापस सेकंड क्वेश्चन के लिए आंसर ऐसे होगा, I विल बी इक्वल्स टू I1 मीन्स M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर. अब ये एक्सिस से मुझे इस पार्टिकल का डिस्टेंस बताओ, पार्टिकल खुद एक्सिस के ऊपर लाया होता है, मींस पहला तो जीरो होगा, जीरो प्लस दूसरे पार्टिकल का एक्सिस से डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस मत ढूंढना, परपेंडिकुलर चाहिए, ये होगा परपेंडिकुलर. पहला एक्सिस ऐसे था तो एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल था, अभी एक्सिस ये ब्लू जो हमने ड्रॉ करके रखा है वो है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज एल बाई टू, मीन्स हमें लिखना होगा एम एल बाई टू होल स्क्वायर प्लस m3 मास कितना है बताओ, m, वापस हमें लिखना होगा m l by 2 होल स्क्वायर, मींस ये क्या होगा ml स्क्वायर by 4 प्लस ml स्क्वायर by 4 टूवाइस ml स्क्वायर by 4, तो आंसर आएगा ml स्क्वायर by 2 जो कि है फाइनल आंसर. तो हमने ऐसे दो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके दिए हैं आपको. वन ऑफ दी साइड्स के अबाउट भी पूछ सकते हैं आपको, कि अगर समझो एक और क्वेश्चन में दे देता हूँ थर्ड, वन ऑफ दी साइड के अबाउट निकाल के बता दो, ये है एक साइड, तो साइड के अबाउट अगर निकालना है थर्ड क्वेश्चन अबाउट एनी साइड, अबाउट साइड के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो देख क्या होगा, पहले मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो, दूसरे मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो, ठीक है, तीसरा मास जो होगा, तीसरे मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये इतना होगा, ये ऐसे कुछ, ठीक है, जो कि होगा, अब हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल रूट 3/2 टाइम्स रहती साइड, तो हमें लिखना होगा कुछ एम आर स्क्वायर, आर परपेंडिकुलर चाहिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा तिरछा वाला नहीं चाहिए, अब तो ये होगा एम आर परपेंडिकुलर की वैल्यू रूट 3/2 जी स्क्वायर, तो ये निकल के आएगा कुछ ऐसे 3/4 एम डी स्क्वायर, ये होगा आंसर. तो ऐसे हमने कुछ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करके दिए जो कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए. तो नेक्स्ट दो कंसेप्ट हमें पढ़ने हैं. देखो हमें कंटिन्यूअस मासेस के MY फाइंड करने हैं एंड पॉइंट मासेस के तो हमने कुछ चेक कर लिए. अगर कंटिन्यूअस मासेस को और थोड़ा आसान बनाना है, क्योंकि एक्सिस अगर चेंज होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है. MY डिपेंड्स ऑन मास एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन प्लस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी. इस एक्सिस के अबाउट रॉड को रोटेट करो, MY डिफरेंट होगा क्योंकि आपको अलग इनर्शिया मिलेगा. इस एक्सिस के अबाउट आप रोटेट करते हो तो अलग अपोजिशन मिलेगा आपको. तो MY डिपेंड्स ऑन एक्सिस आल्सो. तो ये थोड़े कंसेप्ट आसान करने के लिए दो थ्योरम होते हैं. तो पहले मैं आपको इक्वेशंस के फॉर्म में थ्योरम बता देता हूँ, देन उससे ही आपको सेंटेंसेस बता देता हूँ कि ये थ्योरम क्या कहते हैं.
तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम एनी शेप के लिए काम करता, चाहे वो 3D रहो 2D रहो, तो ये एनी शेप के लिए काम करेगा, ठीक है। एंड ये होता क्या है, देखो ये एनी शेप एक ले लेता हूं मैं। ये सॉल्व करने के लिए हमें एक ICM पता होना चाहिए, मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अबाउट अगर एनी एक्सिस, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो, कहाँ पे भी रह सकता, मींस बॉडी से पास भी हो सकता नहीं भी हो सकता, ठीक है। आपको डी ये पता चाहिए डिस्टेंस, एंड बॉडी का मास है एम। तो आई अबाउट एनी एक्सिस इक्वल्स टू ICM प्लस MD2। ये इक्वेशन एक याद रखना है आपको पैरेलल एक्सिस का, ये है अबाउट एनी एक्सिस, ठीक है। पैरेलल टू सेंटर ऑफ मास एक्सिस, ठीक है। MOI अबाउट एनी एक्सिस पैरेलल टू सेंटर ऑफ मास एक्सिस, ये है सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस। तो MOI अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड D इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो आपको इसकी डेफिनेशन कैसे मिलेगी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कैसे लिख के मिलेगा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू गिवन एक्सिस एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। ये है स्टेटमेंट फॉर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। वापस एक बार बता देता हूं मैं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू गिवन एक्सिस प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। ये है सिंपल सा कंसेप्ट जो कि है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन निकल गया है, ये यूज करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आसान हो सकते हैं। नेक्स्ट और देख लेते हैं, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये सिर्फ एंड सिर्फ प्लेनर बॉडीज के लिए ही काम करता है, ये सिर्फ एंड सिर्फ प्लेनर बॉडीज के लिए काम करेगा, ठीक है। 3D शेप जैसे स्पीयर वगैरह को हम ये नहीं लगा सकते, डिस्क को लगा सकते हैं, रिंग को लगा सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये एनी शेप, 3D में स्पीयर रहो, डिस्क रहो, प्लेन रहो, कोई भी रहो। देखो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए भी मैं इक्वेशन एक बार पहले बता देता हूँ एंड उससे फिर स्टेटमेंट आपको बता दूंगा। ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है, ये है प्लेन। तो IZ इक्वल्स टू IX प्लस IY। इसमें IZ MOI अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सेस। एंड ये जो एक्स एंड वाई एक्सेस है, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस इन द प्लेन, ये होता है। ये है, ये इक्वेशन आपको याद रखना है, IZ इक्वल्स टू IX प्लस IY। बट हर बार ऐसे नहीं होगा, कभी आपको IY इक्वल टू IX प्लस IZ भी मिल सकता है। ये कैसे आपको समझना होगा, देखो किस प्लेन में पार्टिकल को रखा है, किस प्लेन में बॉडी को रखा है, ये आपको पहले समझना होगा। अगर प्लेन पता चल गया तो फिर ये इक्वेशन लगा सकते हो। देखो XY प्लेन में हमने बॉडी को रखा है, तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेनर बॉडीज, प्लेनर बॉडीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेनर बॉडीज अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
ये होता है स्टेटमेंट। मींस अगर दो दो एक्सिस जो कि प्लेन के अंदर है बॉडी के, उन दोनों का सम किया जाए तो थर्ड एक्सिस के अबाउट रहता जो कि परपेंडिकुलर है प्लेन को। बट ये जो दोनों एक्सिस है एक्स एंड वाई, ये प्लेन के अंदर होने चाहिए। एंड देखो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि ये क्या सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, जरूरी नहीं। सेंटर ऑफ मास से पास होते तो भी ये काम करता है, पास नहीं होते तो भी ये काम करता है, ठीक है। मींस अगर मैं ऐसा एक प्लेन ड्रॉ कर दूं, ये एक्स है ये वाई है, तो आई एक्स प्लस आई वाई विल बी आई जेड, ये ऐसे होगा। अगर यही मैं ऐसा प्लेन ड्रॉ करता जो कि कौन से प्लेन में रखा है, ये वाई जेड प्लेन में, तो इसके लिए इक्वेशन कैसे होता है, ये ब्लू वाले के लिए इक्वेशन बता देता हूं मैं। आई एक्स मीन्स परपेंडिकुलर एक्सिस विल बी इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड। तो आपको याद क्या रखना है कि सम इन दी प्लेन वाले जो एक्सिस है परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, उनकी सम करो परपेंडिकुलर टू एक्सिस एम वाई जो होगा वो आपको मिलेगा। तो ये है दो थ्योरम, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। यही थ्योरम का यूज करके हम आगे और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं।